हेलो एवरीवन, आज प्रैक्टिस चल रही हूँ। नीलम प्रैक्टिस कर रही है, पहली प्रैक्टिस है ना मेकअप की। जी मैम, कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है? डर भी है और अच्छा भी लग रहा है बहुत। देखिए फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा हुआ है। चलिए और दूसरी स्टूडेंट मेहंदी की प्रैक्टिस। आईब्रो की प्रैक्टिस, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। इसी तक कुछ बोलोगी? कैमरे पे हो, यूट्यूब पर लाइव है बेटा, कुछ बोलो। कैसा लगा इस पार्लर में आके? अच्छा। कोई सर्विस ली यहाँ पे कि नहीं? अभी हेयर वॉश कराई है ना, एक सर्विस ली है हेयर कटिंग की। अच्छा लगता है? ये इशिता है और ये बहुत क्यूट है, और इस स्वरा की सहेली। चलिए फाइनल आपको दिखाते हैं अभी 5 मिनट के बाद। फ्रेंड्स, आप फाइनल लुक देख सकती हैं, ये आया हुआ है। मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से पहली बार हुआ है उस हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग बताइएगा कैसा हुआ है, 10 में से कितना नंबर मिलना चाहिए। बाकी नीलम जो है आज कंप्लीट की है, अब इनका पहला दिन है, और जब इन कंप्लीट हमें लगेगा तो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कितने दिन में इनका हाथ साफ हो गया है। अभी तो ये पहला स्टेप था, पहला दिन था, अभी सिर्फ प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप लगाया गया है, उसको किस तरीके से सेट करना है वो चीजें अभी उतनी अच्छे से नहीं हुई हैं। तो वो जो है ब्लेंडिंग जो होती है मेकअप में, ब्लेंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आप परफेक्ट होते हैं जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है। तो अभी ब्लेंडिंग 100% नहीं है, अभी कम से कम 20 से 30% बाकी है। तो अभी 70% काम हुआ है, अभी 30% बाकी है जो कि 8-10 दिनों में कंप्लीट करेंगे, लास्ट डे पर भी दिखाएंगे। नीलम कुछ कहना है? मैम कोशिश बहुत करेंगे कि हम और अच्छा करें, इससे अच्छा करें, आपके जैसे बन जाएं।